राजू सर पहले फोटो कर रहे थे फिर वीडियो। तो जल्दी करो यार, मैं जा रहा हूं। हां चलो, ये थोड़ा बंद कर दो ना। यहाँ पर आगे थोड़ा पीछे डिस्टेंस रखो। हाय सर, मैं यहाँ पर देखे सर, ये वाला कैमरा मैम, सॉरी हिमांशी जी, हिमांशी जी यहाँ पर, रुकिए 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 रुकिए, मैं वीडियो नहीं मिला है, नहीं मिला सर, बोलिए ना प्लीज सर। अंदर क्या बाबा, बोल दीजिए 2 मिनट जाएगा, ज्यादा नहीं लेंगे हम लोग, 2 मिनट जाएगा, 2 मिनट हो गया ना, 2 मिनट सर, साथ में एक बार हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। मैम प्लीज मीन सर, आप थोड़ा पे आ जाइए साथ में, देख 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 रुक यार, अरे जब बूम डाल पटक डाल घूमना। You have played really well about Big Boss, so you also went in, came out, so yeah. What do you want to say about the journey? I loved it so much, it was a lovely journey on my wapas gaya andar, mujhe bahut khushi mili, and I think it's a great show and it was awesome. And now recently Rakhi Sawant aa gaye fir se, uske bare mein kya kehna chahoge? Mujhe mere bahut dukh ho raha hai ki Rakhi Sawant ke sath baat nikli hai, itni badi entertainer hai, to ab ye upset, she's outside, but kya karo. And Asim sir ka gana bhi aane wala hai, ma'am aapka kya kuch special aane wala hai? Aane wala hai, maine to 20 baar sun liya, aap log sunna ab. Kaisa laga gana? Bahut badhiya gana. Abhi aapka song Rohan ji ke sath bhi aa raha hai, Rohan Mehra ji ke bare mein unka kuch bata dijiye, abhi kuch post hua tha. It was a good experience, Russia mein shoot hua tha and he is a very nice guy, so बस हमारा भी गाना साथ में ही आ रहा है, वैलेंटाइन पे एक और आ रहा है मेरा और आसिम का, और अभी आसिम का दिव्या के साथ आ रहा है, यस वेरी नाइस है। कुछ बता दीजिए ना सॉन्ग के बारे में, इट्स अ लव सॉन्ग, इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग, और अलीबाग में शूट हुआ है, एंड दिव्या इज अ वेरी नाइस गर्ल, और बस दैट्स इट। एंड सर यू हैव वॉच्ड दैट बिग बॉस हाउस वेरी क्लोजली, सो व्हाट डू यू थिंक, क्या कौन गेम खेल रहा है, रियल गेम प्ले प्लानर कौन है? सर सबसे अच्छा जो गेम खेल रहा है, मतलब जो अच्छा अधिक क्षमता से बेस्ट इन द हाउस, बहुत अच्छी खिलाड़ी है, गेम जो खेलते हैं, मतलब आई लाइक शमिता एंड करण। और मैम व्हेन यू टॉक अबाउट तेज रन, काफी ज्यादा चर्चा होता है उनके बारे में, तो आप क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? दोनों खुश है तो हम खुश है, मतलब देयर हैप्पी टुगेदर, हमने क्या बोला, बट जबीर अब से जो कल का बोला शोनी बारी का आंटी वगैरह, जब मैं आंटी स्टेटमेंट या वो आंटी देखती नहीं, इतनी यंग लगती है, मतलब कांच लगती है आंटी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा वो स्टेटमेंट, बट आई होप थिंग्स यू नो सॉर्ट देमसेल्फ्स। या मैम माय क्वेश्चन इज फॉर यू, दो उमर रियाज की जो इवेक्शन थी, काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई, काफ़ी ज़्यादा 17 मिलियन ट्वीट्स है, आप क्या कहना चाहोगे उनकी इवेक्शन, व्हाट इट वाज अ बायस डिसीजन बाय बिग बॉस? सी एट द एंड ऑफ द डे बिग बॉस जो है वो सिर्फ एक विनर का नहीं होता है, सारे कंटेस्टेंट इक्वली याद रहते हैं लोगों को, एंड आई थिंक अगर सबके लिए रूल सेम होते तो शायद हम उसको फेयर बोलते, अगर उमर इज्जत से और अच्छे लोग कमा के बाहर आए तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग एंड अच्छी बात है। और राजू सर, राखी जी कल आउट हो गई है बिग बॉस हाउस से, सर क्या आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो बहुत दुखी उस बात पे, राखी सावंत कैसे निकल गए भाई, इतने बड़े एंटरटेनर देश की, मतलब मुझे तो बहुत बुरा लगा, राखी सावंत मेरे साथ तो बहुत मस्ती करती थी, तो आई रियली मिस राखी। सर लास्टली आप विनर किसको देखते हो टॉप 3 में? शमिता शेट्टी, करण कुंद्रा एंड रश्मि देसाई। एंड विनर सर का एक्सपीरियंस बता दीजिए सर, विनर सलमान सर का एक गाना भी आया नया, सलमान सर तो लेजेंड है, मुझे बहुत अच्छा लगा उसके साथ, कितना अच्छा होस्ट है, मतलब बहुत प्रकट हो। सर आप खतरों के खिलाड़ी में जाना चाहोगे अगर नेक्स्ट सीजन में? सर कुछ बोल दीजिए, कुछ तो बता दीजिए खतरों के खिलाड़ी के बारे में। नहीं कुछ बता सकता अभी, चलो थैंक यू सो मच। हां